आपका सर राइट नहीं है, आप मैं गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, आप मेरा गाड़ी ले जा सकते हैं। नहीं, नहीं सर। सर देखो गाली गलौज मत। सर हमने कौन सा जुर्म कर दिया है जो आप गाली गलौज कर रहे हो? हेलो नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने जब मांगे अपने अधिकार, कर्मी भड़का और कहा अभी देता हूं। गाड़ी नहीं जाएगी। जनाब आ जाओ, आप ही बैठ जाओ, मना कर रहे हैं। अरे क्या हो गया सर, क्या हो गया? ये अलाउ ही नहीं है। अरे अलाउ कहीं नहीं है, कहां नहीं अलाउ है ये तो बताइए। अरे ये कहां मैं ले जाऊंगा? नहीं गलत बात, आपका सर राइट नहीं है, आप मैं गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, आप मेरा गाड़ी ले जा सकते हैं। नहीं, नहीं सर, आपका राइट नहीं है सर। एक मिनट सर, देखिए चिल्लाइए नहीं, आराम से लगाइए सर, लगाइए, मैं गाड़ी पर बैठा। अरे सर लाना अलाउ नहीं है। अरे कहीं नहीं लाना अलाउ है, 236 रोड बैन है सर इसके लिए। सब जगह जा रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं सर, ये पहला आदमी नहीं हूँ जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और आज से नहीं चला रहे हैं सर। इसका मशीन से पेपर दे सकते हैं? अरे सब हमारा ओके है, मशीन से क्या देख नहीं आप देखो, मैं आपसे आप करके कह रहा हूँ। अरे आप बंद कर दो ना सर, सर बंद कर दो आप, बंद कर दो आप। अरे सर मैं आपको आज से नहीं, जलाल किले से जानता हूँ आपको, ठीक है? नौकरी पहली बार आया हूँ। अच्छा तो आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं पर मैं भी थे, हम गलती करेंगे तो उसका गुनहगार हम है, लाल किला, ठीक है? अरे सर देखो गाली गलौज मत करो, आप अगर चलान काटना है तो आप चलान काटो, कोई दिक्कत नहीं, आप बेशक चलान काटिए, हम गाड़ी पर जा रहे हैं और आप हमें रोक करके चलान काटेंगे। ये तो आ ही नहीं सकता। अरे सर कहीं नहीं आ सकता, इस रिक्शे के लिए 236 रोड वैध है, अवैध रिक्शे विदाउट नंबर के चल रहे हैं अवैध तरीके से, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ इसी रिक्शे पे, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं ना। हाँ, चला रहे। बिल्कुल टैक्स पे कर रहा हूँ सर, A to Z कागज ओके है मेरा, देखिए विदाउट नंबर की जा रही है, मार्का लगा हुआ है, प्रधान जी इसको कोई नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ रहे हैं सर, देखिए ना विदाउट नंबर की है। अच्छा सर हमने कौन सा जुर्म कर दिया है जो आप गाली गलौज कर रहे हो? दोस्तों आपने वीडियो देखी और देखा होगा इसमें आपने एक ई रिक्शे वाले का साहस, किस तरह से वो कर्मी से जूझता नजर आ रहा है, उस कर्मी से जिसकी भाषा इतनी गंदी है कि इसके बाद यही सवाल उठता है कि इनको क्या सिखाया जाता है, क्या सिखा कर ये ड्यूटी पर भेजे जाते हैं, क्या इन्हें ये सब सिखाया जाता है कि हाँ अगर आपसे कोई अपने अधिकार मांगे तो उन्हें गालियां दो, जी भर कर गालियां दो, क्या इन कर्मियों की गालियों की क्लास लगाई जाती है कि कोई भी अगर आपसे अपने अधिकार की बात कर ले, सवाल कर ले तो उसे जी भर कर गालियां दे, धमकाएं। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जनाब को लगता है इसी ही तरह की ट्रेनिंग दी गई है। ये वीडियो हमें MG फाउंडेशन ई रिक्शा वालों की तरफ से मिली है, दिल्ली की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल यहाँ पर ड्राइवर अपने ई रिक्शा पर आराम से बैठा हुआ था, इतने में ये क्रेन वाले आए और ड्राइवर को तंग करने लग गए, किस तरह तंग किया वो आपने वीडियो में देखा, ड्राइवर ने बहुत से सवाल उठाए, जैसे ही सवाल उठाए तो जमकर गालियाँ दी, छोटी मोटी गाली नहीं बड़ी बड़ी गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ जिसे कोई भी सुने तो गुस्से में आ जाए, लेकिन ड्राइवर बड़ी ही सूझबूझ के साथ इनसे निपटा, क्या क्या ना कहा कर्मी ने, ई रिक्शा वाला और इतनी बातें, ये बोला, एक तरह से कहीं ना कहीं ये जाति सूचक शब्द नजर आते हैं क्योंकि वो ड्राइवर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाली गलौज पर ड्राइवर ने कहा भी, जनाब आप चालान कर दीजिए, जो करना है कर लीजिए, गाली मत दीजिए। क्या ड्राइवर रोड पर गाली खाने उतरते हैं? ड्राइवर ने एक बार तो जमकर पाठ पढ़ा दिया कि जनाब टैक्स भरते हैं पूरा टैक्स और कागज भी पूरे हैं, चेक कर लीजिए आप। इतने में उनके दो चेले आए, उन्होंने कहीं ना कहीं कमी निकालने की कोशिश की, इंश्योरेंस की बात की कि इंश्योरेंस वैलिड नजर नहीं आ रहा है, जबकि इनका इंश्योरेंस 2024 अगस्त तक वैलिड है, यानी कि जैसे तैसे ड्राइवर को फंसाने की कोशिश, लेकिन ड्राइवर भी डरे नहीं डटे रहे, उन्होंने वहीं जाते हुए किसी बिना नंबर की प्लेट की गाड़ी को देखा और जिस पर प्रधान जी लिखा था, शायद वीडियो में सुना जा सकता है कहते हुए,
उसको रोकने की बात की तो लेकिन उन्हें नहीं रोका गया। ड्राइवर के साथ ये उलझते नजर आए, लेकिन जब देखा कि ड्राइवर नहीं दबा, इनकी दबंगई के सामने नहीं झुका और कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया कि इसके पास पूरे कागज हैं, तो वो वहां से दुम दबा कर निकल लिए। ड्राइवर ने भी जमकर क्लास लगाते हुए कहा कि धंधा बना रखा इन्होंने, धंधा बना रखे हो। ड्राइवर ने बताया कि इन कर्मियों ने यहाँ बेहद परेशान कर रखा है, ई रिक्शा चलाना दूभर कर रखा है। यहाँ के ई रिक्शा वालों ने भी कई लेटर अधिकारियों को लिखे, लेकिन कोई हल ना हुआ। इसी तरह इन्होंने धंधा बना रखा है, ड्राइवरों को परेशान करते हैं। अगर आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो और देख रहे हो इनकी भाषा, तो इन पर जरूर कार्रवाई हो, जांच हो और इन्हें थोड़ी सी भाषा की तमीज सिखाई जा सके, ताकि ये इस तरह की बातें ना करें। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर।